हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोयाबीन की कोफ्ता करी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 100 ग्राम सोयाबीन को पहले से गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अभी अच्छे से ठंडी हो चुके हैं, अब हमें इसका पानी निचोड़ लेना है अच्छे से। अब इसी तरह से हम सारा पानी निचोड़ लेंगे सोयाबीन का। तो देखिए, मैंने सारा पानी निचोड़ लिया है इसका। अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। आप लहसुन भी डाल सकते हैं इसकी जगह। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन का यूज़ हम केवल बाइंडिंग के लिए कर रहे हैं, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कोफ्ते गोल बनते हैं, लेकिन मैंने इसे आज लंबे शेप में बनाया है। इसे हाथों से दबाते हुए अच्छे से इसको हम लंबाई शेप में बना देंगे। देखिए, मैंने एक बना लिया है। अब मैं सारे कोफ्ते ऐसे ही बना लूँगी। मैंने सारे कोफ्ते बना लिए फ्रेंड्स। अब गैस पे मैंने कढ़ाई पहले से चढ़ा दी है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से सिकने देंगे। बीच बीच में इसे हम पलटते रहेंगे। देखिए, हमारे कोफ्ते अच्छे से सिक चुके हैं, इनका कलर भी गोल्डन बढ़िया आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे। मैंने इसे निकाल लिया है। अब कढ़ाई में से हम एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे एक कटोरी में। तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था। तेल हमारा गर्म है पहले से ही। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच हींग डालेंगे। उसके बाद 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम 1 बड़ी प्याज और 1 टुकड़ा अदरक को बारीक चॉप कर लिया है वो इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे जब तक प्याज का कच्चापन ना निकल जाए और प्याज का कलर ना चेंज हो जाए। तो देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मैंने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसालों के साथ अच्छे से इन्हें हम भून लेंगे। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास के करीब। पानी आप अपने ज़रूरत के अनुसार डालिए। रस आपको कैसे चाहिए, गाढ़ा या पतला। मैंने पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डाला है। अब गैस को हम हाई कर देंगे और उसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, रसे में हमारे उबाल आ चुका है। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे अपने, उसे चला लेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच, इसे चला लेंगे थोड़ी देर। अब इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बन चुकी है। इसमें अच्छे से उबाल भी आ चुका है। वो कोफ्ते हमारे अच्छे से गल गए हैं।
अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे, देखिए सब्जी हमारी पूरी तरह से बन गई है, अब से हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गर्मा गर्म सोयाबीन की कोफ्ता करी बनके तैयार है। इसे आप रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।